सो दोस्तों आज अलग ही लेवल का एक्ट्रेस देखने वाले हैं पेरिस तलाबू के शो में। मैं आपको बता दूं क्या क्या होने वाला है आज, मतलब 30 जुलाई के एपिसोड में। नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं सीरियस स्पीक्स, मैं हूं आपके साथ दीक्षा जैन। दोस्तों आज बहुत ही जोरमार होने वाला है, आज सारे भांडे फूटने वाले हैं बॉन्दित और वैजंती के, जितने टाइम से वो खेल खेल रही है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो स्टार्टिंग होती है कि बॉन्दिता का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि अनिरुद्ध ने वैजंती को चुना ना कि बॉन्दिता को। वो समझ जाती है कि बॉन्दिता को अनिरुद्ध को नफरत हो गई हमेशा हमेशा के लिए, और वो खुद को भी संभाल लेती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर अनिरुद्ध को मुझसे प्यार नहीं तो मुझे भी उससे नहीं। पर दोस्तों यहाँ पे एक होता है ट्विस्ट, बॉन्दिता को दिखती है अपनी ही परछाई वैजंती के रूप में। जी हाँ दोस्तों, वो उससे कहती है कि तुम्हें तो माता रानी ने, दुर्गा माँ ने आशीर्वाद दिया तुम दोनों की जोड़ी को, तुम दोनों की जोड़ी कभी अलग नहीं हो सकती है, हमेशा 7 जन्मों के लिए बनने के लिए ये बनी है। यहाँ पे दोस्तों बॉन्दिता को एक होप मिलती है। वही दोस्तों दूसरी तरफ दूसरा दिन जब होता है, अनिरुद्ध बॉन्दिता का वेट कर रहा होता है कि वो कब आएगी उसे पढ़ना, और वो उसे किस तरीके से बताएगा कि अभी मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी अपनी पढ़ाई पे और अपने सोशल वर्क में ध्यान देना है, बल्कि ये बस एक फैमिली का प्रेशर है जो मुझ पे आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों वो वैजंती का वेट कर ही रहा होता है कि वैजंती वहां पे आती नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सीन दिखाया गया है कि अनिरुद्ध अपना आपा खो के, अपना पेशेंस ना करते हुए वैजंती के घर में जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते हैं कि जो बॉन्दिता है एक्चुअल में वो फेक वैजंती, और एक्चुअल वैजंती तो कहीं और रहती है। दोस्तों जैसे वो वैजंती के घर के आसपास जाता है, वो देखता है कि उसका घर पूरी तरीके से सजा हुआ है, फूलों से, सब पत्तों से सजा हुआ है। वो वहां पे देख के चौंक जाता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पर वो दोस्तों जब वहां पे किसी से पूछता है तो पता चलता है कि वैजंती की शादी हो रही है सौरभ नाम के लड़के से। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा ट्विस्ट आज हमें देखने को मिल रहा है, जिसको देखने के बाद अनिरुद्ध वहां पे टूट जाता है, बिल्कुल बुरी तरीके से टूट जाता है कि वो देखता है कि यहाँ पे तो वैजंती की ऑलरेडी शादी हो रही है किसी लड़के से, और मैंने उससे कल ही बताया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो दोस्तों गुस्से में तो यहाँ से वो अनिरुद्ध चला जाता है, पर वहीं पे आता है चंद्रचूड़, क्योंकि उसका ये प्लान है कि वो वैजंती को अपने वश में कर ले, उसको किडनैप कर ले, जिसकी वजह से अनिरुद्ध की सारी बातें माने, वो अनिरुद्ध से जो कहे वो करे। पर दोस्तों उसे वहां पे जाके मिलता है एक झटका। जी हाँ दोस्तों, वो देखता है कि यहाँ पे तो वैजंती की शादी हो रही है, और वो भी सौरभ नाम के लड़के से, ये चल क्या रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे आता है ट्विस्ट, मैं बता दूं आपको, चंद्रचूड़ को फाइनली एक सामना होता है बॉन्दिता एकाए वैजंती से, जहां पे एक रैली जारी होती है और सब जगह गुलाल फहरे होते हैं, तो जिसकी वजह से सारा गुलाल बॉन्दिता के मुंह में आ जाता है, फेस पे, बाल पे, और वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। वहीं दोस्तों हम देखेंगे कि वैजंती एक बॉन्दिता अनिरुद्ध के पास जाती तो नहीं है पढ़ने, तो वो घर पे अपनी मम्मी से बालों में तेल बनवाती है, उसकी मम्मी काफी शॉक होती है कि गुलाल तेरे सर पे कहां से आया। वहीं पे चंद्रचूड़ होता है और वो कहता है कि यहाँ ये तो बॉन्दिता नहीं थी वहां पे, तो इसके सर पे गुलाल कैसा है, गुलाल तो आना चाहिए तो किसी और वैजंती के सर पे, क्योंकि मैंने उसको वहां पे देखा था। दोस्तों इस शक की वजह से चंद्रचूड़ पूरा उसका कमरे में जाता है और छानबीन करता है कि कुछ तो सबूत मिलेगा, और दोस्तों दिल थाम के बैठी है क्योंकि चंद्रचूड़ को फाइनली वो साड़ी मिल जाती है जो वैजंती पहनती है, और वो दूसरे पोशाक मिल जाती है जिसपे गुलाल लगा हुआ था। इससे आप समझ ही सकते हैं कि क्या रिवेल होता है, कि चंद्रचूड़ को पता चल गया है कि वैजंती और कोई नहीं बल्कि बॉन्दिता ही बन के अनिरुद्ध से मिलने जाती है। तो दोस्तों अगले ट्विस्ट के लिए आप इस वीडियो को बनाए रखें, हमारे सीरियस पे आप बने रखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।